वायरस का असर चीन की सरहदों को पार करता हुआ 145 देशों तक पहुंच चुका है। WHO ने कल इस वायरस का एपिसेंटर यानी कि केंद्र जहां से वायरस फैल रहा है वुहान से चेंज करके यूरोप कर दिया है, क्योंकि चाइना में कोरोना के इक्का दुक्का ही मामले सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के 82 मामले और 2 डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी है। कल दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 68 साल की महिला कोरोना वायरस से मर गई। उससे पहले कर्नाटक में पहली मौत कोरोना वायरस से दर्ज हुई थी। अभी तक इस वायरस का कोई पुख्ता इलाज नहीं ढूंढा गया है। हालांकि अभी तक की रिपोर्ट्स की माने तो HIV/AIDS की ड्रग्स जैसे कि लोपिनावर और रिटोनावर इस वायरस से लड़ने में कारगर साबित हो रही हैं। इंडियन डॉक्टर्स ने क्लेम किया है कि उन्होंने इटालियन कोरोना वायरस पेशेंट्स पर इस ड्रग का इस्तेमाल किया और सक्सेसफुली ट्रीट भी किया है। अभी ये देखना बाकी है कि क्या ये ड्रग सर्वव्यापी है और क्या सभी पेशेंट्स पर इस ड्रग का इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाएगी। सोशल मीडिया पर बहुत सारी र्यूमर्स अफवाहें उड़ रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि इनके इस्तेमाल से कोरोना वायरस को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये तमाम जानकारियां बहुत भ्रांति फैला रही हैं। भाई के इस माहौल में लोगों के बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। मैं इस वीडियो में बहुत ही बेसिक सवालों का जवाब दूंगी ताकि आप कोरोना से डरे नहीं बल्कि अवेयर रहें। वीडियो के एंड तक बने रहें और उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल द आशिमा शो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ट्रस्टेड और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपको हवाई जहाज में सफर करना है तो किन चीजों का ध्यान रखें। खबरों में आपने सुना ही होगा कि इस वक्त बहुत से देशों की मैक्सिमम एयरलाइंस ऑपरेट नहीं कर रही हैं। भारत ने भी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से 15 अप्रैल तक सभी टूरिस्ट वीजा निलंबित कर दिए हैं। तो हो सके जब तक कोरोना वायरस स्टेबल ना हो जाए आप सभी अननेसेसरी इंटरनेशनल ट्रैवल अवॉइड करें। पर अगर किसी का ट्रैवल करना अर्जेंट है तो उसके मन में डर बना रहता है, और जायज भी है क्योंकि प्लेन के क्लोज्ड कंपार्टमेंट में इस वायरस के संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। उसके लिए कुछ एहतियात हैं जो आपको बरतने चाहिए। जब भी आप सफर करें अपने साथ हैंड सैनिटाइजर जो 60% to 95% अल्कोहल बेस्ड हो रखें, और टाइम टू टाइम उसको इस्तेमाल करें, नॉट जस्ट ऑन योर हैंड बट ऑन योर फेस आल्सो। सफर करते हुए हम चाहे अनचाहे ऐसी वस्तुओं को छू लेते हैं जिनसे संक्रमण हो सकता है। इसके साथ ही एंटीसेप्टिक हैंड वाइप्स भी साथ में जरूर रखें, जिससे कि आप अपने आर्म रेस्ट, रिमोट कंट्रोल्स या फिर अपनी ट्रे टेबल को वाइप कर सकते हैं, और हो सके तो मास्क भी जरूर पहने। अगर आपके साथ वाली सीट पे बैठे पैसेंजर को कोल्ड या फ्लू के सिम्टम्स हैं तो फ्लाइट अटेंडेंट की नोटिस में जरूर लाएं, क्योंकि हो सकता है एक इंसान की वजह से फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे 150 से 200 लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाएं। हाल ही में यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट जो अमेरिका में कोलोराडो से न्यू जर्सी स्टेट जा रही थी, उस फ्लाइट में एक पैसेंजर को लगातार खांसी और छींके आ रही थी। इसको देखते हुए उस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग डेनवर में करवाई गई और तुरंत उसका टेस्ट करवाया गया। अब बात करते हैं कि COVID-19 का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के इन्फेक्टेड होने और उसके अंदर लक्षण शो होने में कितना समय लगता है। इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को उलझन में इसके इंक्यूबेशन पीरियड की वजह से डाल रखा है। दरअसल जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो जरूरी नहीं है कि उसी समय उसके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा या वो खांसना छींकना शुरू कर देगा, जो इसके लक्षण हैं। ये वायरस जब इंसान में एंटर करता है तो उसके सिम्टम्स को बॉडी में शो होने में 2 से 14 दिनों तक का टाइम लग सकता है, मोस्ट कॉमनली 5 days। दिक्कत कहां आती है कि मान लो अगर कोई इंसान कोरोना वायरस से हाल ही में इन्फेक्टेड हुआ है और अभी तक सिम्टम शो होने शुरू ही नहीं हुए हैं, जैसे कि बॉडी का तापमान नहीं बढ़ा, तो वो दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पे हो रही थर्मल स्क्रीनिंग में पकड़ में नहीं आएगा और वायरस देश में घुस जाएगा। तो जब भी आप इन्फेक्टेड कंट्री से ट्रैवल करें तो प्लीज अपने आप को 14 डेज के लिए सेल्फ क्वारंटाइन जरूर करें। भारत सरकार ने भी बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को 14 डेज का मैंडेटरी क्वारंटाइन करने के आदेश दिए हुए हैं, क्योंकि भारत में शुरू के ज्यादातर मामले बाहर के देशों से ही आए हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सेल्फ क्वारंटाइन आखिर है क्या, इसमें करना क्या है। दरअसल सेल्फ क्वारंटाइन का सिंपल मतलब है सेल्फ आइसोलेशन करना। उस वक्त आपको कहीं बाहर नहीं जाना, जिसका मतलब घर से बाहर जाना ही नहीं है। इसका ये भी मतलब है कि अगर आप घर में बाकी सदस्यों के साथ रहते हैं तो आपको उनके कॉन्टैक्ट में भी नहीं आना है, और ये आपको करना है 14 दिनों के लिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया इस वायरस के सिम्टम्स को शो होने में 14 डेज तक का टाइम लगता है।
अब बात करते हैं कि क्या कोई मेडिसिन, थेरेपीज या देसी नुस्खे हैं जिससे कोरोना वायरस से ठीक हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही खबर है कि 60,000 से ज्यादा लोग इलाज करवा के घर जा चुके हैं। केरल में भी 3 लोगों का इलाज किया गया था। एक्चुअली बात ये है कि इसमें सिम्टोमैटिक बेस्ड सपोर्टिव थेरेपी से इलाज होता है। अगर किसी इंसान में कोरोना जल्दी डिटेक्ट हो जाए तब तक वायरस बॉडी ऑर्गन्स में ज्यादा नहीं फैल पाता। तो अभी के लिए HIV एड्स की लोपिनावर और रेटोनावर ड्रग के कॉम्बिनेशन से इलाज किया जा रहा है, जो लोगों पर अच्छे रिजल्ट भी ला रहे हैं। लेकिन तरह तरह की फैली हुई अफवाहों में विश्वास मत करिए कि लहसुन खाने से, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के गरारे या फिर पीने से इस वायरस को मारा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अवेयरनेस फैले। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? अगर नहीं किया तो क्या सोच रहे हो? प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।